एक बेटी को लेकर उसकी आय को कितनी चिंता होगी, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको समझाने की जरूरत है, क्योंकि आप खुद एक लड़की की आय हैं। माफ कीजिएगा इस विषय में कारण की चिंता करें। पिछले दिनों से कुछ 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 भी हुआ, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी श्लोक के साथ रहने में सुरक्षित है। हाँ जी, भले ही आप श्लोक की आई हो, लेकिन इंसानियत के नाते मुझे लगता है कि ये लोग हमारा डर नहीं समझ सकते। लेकिन तुम्हारा यार इतना ठीक नहीं, मैं अपनी बेटी को एक ऐसे इंसान के पास कैसे छोड़ दूँ जिसमें गुस्से के सिवा और कुछ नहीं पड़ा। पिछले दिनों पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हुआ उसको देखकर मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी श्लोक के साथ अपने रहो संभालो इंसानियत दिनों अपनी बहू की सुरक्षा करना आपका भी फर्ज है। एक्शन इतना ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बस शांत हो। मैं कैसे शांत हूँ? ये मेरी बेटी का सवाल है, मेरी जान है वो। आप जो भी बोलो, लेकिन मैं यहाँ आस्था के साथ हूँ। उनके शोल्डर पे देखने बोला बहुत ऊपर हो रहा है। बहुत सारा रोलिंग और हाथ का मूवमेंट चाहिए। रोलिंग एंड एक्शन। हाथ का मूवमेंट भूल गए आप। रोलिंग फिर से बोलो। रोलिंग बहुत सारा प्यार करूंगी। एक्शन करूंगी। एक और बार बोलो। वेरी नाइस क्रेज। रोलिंग एक और बार बोलो। एक्शन बहुत सारा प्यार करूंगी। देखते रहो देखते रहो। उधर से मम्मी आवाज दी पीछे देखो जाओ। सर फाइनली आप अस्ता को घर पर लेकर आए गए। हाँ मैं तो चाहता ही था कि घर से बाहर जाए, तो कोर्ट में वही हुआ जो मैं चाहता था, तो मैं तो वापस लेके ही आऊंगा। आप इस फैसले से कितना खुश हैं? क्योंकि आपने तो खुशी कोई दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि आप तो हमेशा श्लोक से मतलब ऐसे ही रहते हैं। इनकी आदत है दुखी रहना, लड़कियों की आदत होती है दुखी रहना, खुश रहना आता ही नहीं। आप लोग खुश रखते नहीं हो ना हमें,
तो इतना सारा नाटक होने के बाद मेरी मॉम तो नहीं चाहती थी, मेरी आई नहीं चाहती थी कि मैं वापस आऊँ अग्निहोत्री परिवार में, बट मुझे आना पड़ रहा है। तुम कौन सा मुझे खुश रखती हो? मौका दिया तुमने मुझे। एग्जैक्टली तुमने कौन सा मौका दिया? अरे मैंने क्या किया था? सिंपल है, सिर्फ छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुमने इतना बड़ा रिवेंज लिया, शादी कर ली मुझसे। वो तो जस्टिफाइड है। प्यार किया था मैंने। हाँ तो दिल टूट गया। अच्छी बात है ना, अब तो जाना चाहिए मुझे वापस। लेकिन कहीं ना कहीं वो तो अपना दिखा रहा है ना, अगर वो खुश नहीं भी है तब भी आप वो खुश। हाँ तो मैं तो लेके आ रहा हूँ ना वापस, भाग तो तुम रही हो। नहीं, वो मुझे घर पे और टॉर्चर करने के लिए लेकर आए। तुम्हें कैसे पता? ये जजमेंटल बात है, लड़की में आ गई। नहीं नहीं, मम्मी ने शुरू से देखा हुआ है, शुरू से जान गई थी कि ये, ध्यान से देखिए इस आदमी को। समझ गई थी, मुझे कह रही थी कि बेटा मत पड़ इसके चक्कर में, बट मैं गिर चुकी थी उसके प्यार में एंड ऑल दैट। तो अब शी इज लाइक ट्राइंग टू स्टॉप मी कि फिर से एक बार सेम गलती मत कर। कैसे माँ बाप है, लड़का घर लेके आना चाहता है, शादी के बाद अपने घर बिठाना चाहती है, भगवान बचाए। तो आप क्या करने वाले? आप तो आ चुकी है, आप क्या कुछ करने वाले? कुछ नहीं, जो करता है वही करूँ। और तंग करेगा क्या? हाँ तो सिंपल है, उसे पता तो अब तक लग ही गया होगा कि मैं आदमी ही ऐसा हूँ। जब पता लग गया है तो अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ना यार। क्यों? When I have other better options? जवाब दिल टूट गया, वापस बन जाएगा। कितने दिल है भाई तुम्हारे पास? 5-6 तो होंगे। एक ही है। कैसे एक ही है? एक ब्रेकअप हुआ, चलो दूसरा। When you have many more options, what she said, right? With my mom, dad. Options, श्लोक, आलोक, कोई ना कोई तो निकलेगा। आलोक मत बोल, अभी जोक बन जाएगा। नहीं नहीं, मतलब उनके पास ऑप्शन है लेकिन आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे चाहिए ही नहीं, मैं खुश हूँ आस्था के साथ। उन्हें प्यार भी नहीं करना, उन्हें और ऑप्शन भी नहीं चाहिए, उन्हें मुझे खुश भी नहीं रखना, मुझे मेरे घर भी नहीं जाने देना। That is the option I was talking about. मैं खुश हूँ आस्था के साथ, ये खुश नहीं है, इसकी प्रॉब्लम है। सिंपल, मैं खुश हूँ ना बस। तो आस्था क्या आपको उनमें क्या दिखाई नहीं देता है, क्या चाहिए आपको कि वो दे नहीं पाते? बहुत ऊंचा है, मुझे दिखाई कुछ नहीं दिखाई देता, मुझे दिल ही दिखाई नहीं देता। मेरे पास एक तो है, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। नजरिया चाहिए देखने के लिए। हाँ, इतने ऊंचे को कुछ दिखाई नहीं देता मुझे। और इतने हैंडसम आपको मिलने वाले नहीं है वापस? मेरे को आप तो समझाओ।